गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज है 18 फरवरी 2020। आज के दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और वीडियो के अंत में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 किसने जीत लिया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप सौरभ घोषाल पुरुष वर्ग में और ज्योत्सना चिनप्पा महिला वर्ग में जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों सही है। अब बात कर लेते हैं स्क्वैश क्या है। तो स्क्वैश एक रैकेट खेल है जिसे दो खिलाड़ी या डबल्स के लिए चार खिलाड़ी एक छोटी खोखली रबड़ गेंद से चार दीवारों वाले कोर्ट में खेलते हैं। तो एक बार फिर से जान लेते हैं स्क्वैश क्या है। स्क्वैश एक रैकेट खेल है जिसे दो खिलाड़ी या डबल्स के लिए चार खिलाड़ी एक छोटी खोखली रबड़ गेंद से चार दीवारों वाले कोर्ट में खेलते हैं। अब आपको राष्ट्रीय स्तर के कुछ स्क्वैश खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दीपिका पल्लिकल कार्तिक चेन्नई के तमिलनाडु से हैं, ज्योत्सना चिनप्पा चेन्नई तमिलनाडु से हैं और सौरभ घोषाल कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं, हरिंदर पाल संधू चंडीगढ़ से हैं, रमित टंडन कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं, सुनैना कुरुविला कोची से हैं, तन्वी खन्ना नई दिल्ली से हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष जी नारायण को नामित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL, तो इसके बारे में जान लेते हैं। NSIL का मुख्यालय बंगलोर में है और इसके ओनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है और इसकी स्थापना पिछले साल मार्च 2019 में हुआ था। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो अभी हाल ही में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में गली बॉय को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात कर लेते हैं फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म जगत में दिया जाने वाला भारत देश का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अब आपको फिल्म फेयर अवार्ड से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार गली बॉय को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है और उनके फिल्म गली बॉय के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया है फिल्म गली बॉय के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जोया अख्तर को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी को दिया गया है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया है और इनके पार्टी का नाम क्या है? तो इनके पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली राज्य के। तो दिल्ली राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो दिल्ली राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी हैं। और दिल्ली राज्य में लोकसभा सीटें कितनी हैं? दिल्ली राज्य में लोकसभा सीटें 7 हैं और राज्यसभा सीटें केवल 1 हैं।
और विधानसभा सीटें 70 है, जिसमें अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने 62 सीट जीत लिया है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। अब केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में जान लेते हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीव भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश बना है। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया था, जिसकी राजधानी अब दमन बन गई है। 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम जान लेते हैं। हमें पता है भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हम लोग जान लेते हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा है पांडिचेरी, तीसरा है जम्मू और कश्मीर, चौथा है दादरा नगर हवेली और दमन दीव, पाँचवा है अंडमान तथा निकोबार, छठा है चंडीगढ़, सातवां है लद्दाख और 8वां है लक्षद्वीप। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ रसिया ने किस भारतीय बीमा कंपनी को रूस में व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया है। तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ रसिया ने जीआईसी भारतीय बीमा कंपनी को रूस में व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है जीआईसी, तो जीआईसी के बारे में जान लेते हैं। जीआईसी का पूरा नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जीआईसी का मुख्यालय मुंबई शहर में है, और इसकी स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि जीआईसी के चेयरमैन कौन है, तो जीआईसी के चेयरमैन देवेश श्रीवास्तव जी हैं। अब बात कर लेते हैं रूस के बारे में। रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ की मुद्रा है रूबेल। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे चितेत्सु वतनावे किस देश से संबंधित हैं। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहे चितेत्सु वतनावे जापान देश से संबंधित हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चितेत्सु वतनावे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित पुरुष का सर्टिफिकेट दिया है, इसी वजह से चितेत्सु वतनावे चर्चा में रहे हैं। 112 साल और 344 दिन के हो गए हैं चितेत्सु वतनावे। अब यहाँ पर बात हुआ है जापान देश का, तो जापान देश के बारे में जान लेते हैं। जापान देश के प्रधानमंत्री का नाम है शिंजो आबे, और यहाँ की राजधानी टोक्यो है, जहाँ पर 2020 का समर ओलंपिक खेला जाएगा। और जापान देश के मुद्रा का नाम है एन, और जापान देश के संसद का क्या नाम है, तो जापान देश के संसद का नाम डाइट है। और जापान देश के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो जापान देश के स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। भारत जापान देश के साथ 5 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, जिनका नाम है सिन्नु मैत्री, दूसरा है सहयोग केजिन, तीसरा है धर्म गार्डियन, चौथा है मालाबार, और पांचवा है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये 5 एक्सरसाइज भारत जापान देश के साथ करता है। हाँ, ये चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस देश में होगा। तो अभी हाल ही में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन भारत देश में होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो अभी हाल ही में काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ पर और विकल्प हैं, इन विकल्प के बारे में जान लेते हैं। विकल्प ये योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और विकल्प सी है पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल हमारे देश के रेलवे मंत्रालय के मंत्री हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति राधा किशन दामनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। राधा किशन दामनी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है और इनके कंपनी का नाम क्या है, तो इनके कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है राधा किशन दामनी की कंपनी का क्या नाम है, तो राधा किशन दामनी की कंपनी का नाम है डी मार्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राधा किशन दामनी की कंपनी का नाम कितना है और इनकी कुल संपत्ति कितना है, तो राधा किशन दामनी की कंपनी का नाम डी मार्ट है और इनकी कुल संपत्ति 17.9 अरब डॉलर है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिलन 2020 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ होगा? तो अभी हाल ही में मिलन 2020 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पर बात हुआ है मिलन नौसैनिक अभ्यास का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मिलन का पूरा नाम है मल्टीलेटरल नावल एक्सरसाइज। मिलन भारत की द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। इसमें इस साल 41 देश पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान समय में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान समय में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, वो भी फुल डिटेल के साथ। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे यह वीडियो सभी लोगों के पास पहुँच जाए। और यह चैनल सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। Thanks for watching this video.